పశ్చిమ బెంగాల్లో ముస్లిం మైనారిటీ ఓట్లు ఎటువైపు? గత 10 ఏళ్లుగా దీదీతో ఉన్న ఈ వర్గం ప్రత్యామ్నాయం చూస్తోందా? ఓవైసీ లాగే ఓట్లెన్ని? అబ్బాస్ హవా ఎంత? పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి మా ప్రతినిధి రెహానా స్పెషల్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్. పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల క్షేత్రంలో ముస్లిం మైనారిటీ ఓట్ బ్యాంక్ చాలా కీలకమైంది. దాదాపు 100 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్లో ఈ వర్గం గెలుపుని ప్రభావం చేసే స్థాయిలో ఉంది. అందుకే ఎంఐఎం, ఐఎస్ఎఫ్ మొదటిసారి ఎన్నికల బరిలో పోటీ పడుతున్నాయి. మరి ఈ రెండు రాజకీయ పక్షాలు ముస్లిం ఇలాకాలో పాగా వేయగలుగుతాయా? తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఓట్ బ్యాంకు గండిపడుతుందా? పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి స్పెషల్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్. బెంగాల్ ఎన్నికల్లో మైనార్టీ ఓట్లపై రాజకీయ పార్టీలు ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ పెట్టాయి. ముస్లిం మైనార్టీ జనాభా ఎక్కువగా ఉండే రాష్ట్రాల్లో పశ్చిమ బెంగాల్ ఒకటి. మొత్తం జనాభాలో ఈ వర్గం 27%. అంటే ఒక రకంగా గెలుపునకు డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. దీనిలో బెంగాలీని మాతృభాషగా వ్యవహరించే ముస్లింలు 90% మంది. చాలా కాలం పాటు కాంగ్రెస్తో ఉన్న ముస్లిం మైనారిటీలు తర్వాతి కాలంలో మమతకు అండగా నిలబడ్డారు. కోల్కతాలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ముస్లిం మైనారిటీల ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం మనం తోప్సియా ప్రాంతంలోనూ, తోప్సియా సౌత్, తోప్సియా నార్త్, అదేవిధంగా తోప్సియా ఈస్ట్, వెస్ట్ అంటే 4 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇలాగా అనేక అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్లో ముస్లింల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే గెలుపుల వీళ్ళ ప్రభావం చాలా కీలకంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ కొంతమంది ముస్లిం మైనారిటీస్ ఉన్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. తో ఏ కొంసా ఇలాకే మే జ్యాదాతర్ ముస్లిమ్స్ హోతే హై? యహాన్ పర్ హమ్ లోగ్ కా ఇలాకా యే తోప్సియా కానూన్ మార్కెట్, सितल्ला तिलजला लाइन, कुष्टिया मस्जिद, बाड़ी लाइन, ये सब इलाके में हम लोग मुस्लिम ज़्यादा है. तो कोलकाता में कहाँ कहाँ किस एरिया में मुस्लिम माइनॉरिटी ज़्यादा होते हैं? राजा बाजार, फूल बागान, मेहंदी बागान, मडिया पुरुष, बेग बागान, ब्रैड स्ट्रीट, जाननगर रोड, ये सब पाक सर्कस, खिद्रपुर, सब इलाके में मुस्लिम ज़्यादा है. तो अब देखो इलेक्शन चुनौती हो रहा है. यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के वोट के लिए एमआईएम यहाँ पर आ चुकी हैं और आईएसएफ का भी स्टार्ट हो रहा है. तो आप लोगों का क्या ख्याल है? हम लोग का दीदी का ख्याल है, ममता दीदी का ख्याल है हम लोग का. और उसके अलावा कोई को हम लोग को चाहिए भी नहीं, इसलिए कि जो दाम हिसाब से गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम सेंटर वाला जो बढ़ा रहा है, तो हम लोग को सेंटर सरकार को ला के फ़ायदा क्या है? हमको जब फ़ायदा नहीं मिलेगा तो हम आपको वोट क्यों देंगे? बात यह है ना. अभी हम लोग को 2 रुपये डीजल पे बढ़ जा रहा, 5 रुपये डीजल पे बढ़ जा रहा, पेट्रोल पे बढ़ जा रहा. पहले बढ़ता था तो विरोध करता था. स्मृति ईरानी गैस लेके चले गई थी कि ऐसा ऐसा गैस बढ़ जा रहा. अभी जो डबल हो गया वो स्मृति ईरानी नहीं नज़र आ रहा है. वो तो बोल रही थी कि मनमोहन सिंह को चूड़ी पहन के बैठने के लिए. अब क्या पहनेगी? वो बाला पहन के बैठेगी स्मृति ईरानी? बहुत तो भाषण दे रही थी. एमआईएम आ रहा है हैदराबाद से, काफ़ी दूसरे स्टेट्स में भी एमआईएम जीत चुके हैं, बिहार में भी. तो यहाँ पर कितना सपोर्ट है एमआईएम? वो तो अवैसी जो है वो तो हैदराबाद को संभाल नहीं पा रहे हैं. अब हम लोग अब बंगाल को संभालने चले हैं. ठीक है, अब अकेला औरत जात होके बहुत हम लोग का लिए कर रही है. इतना कर रही है बहुत काफ़ी है. दीदी बंगाल की सिरनी है, हम लोग के लिए बंगाल का सिरनी है. वो वही हम लोग के लिए कहना था. हम लोग उसका छोड़ के किसी को और नहीं जानते. दीदी से अच्छा कोई पश्चिम, सेकेंड पोजीशन में केरला फर्स्ट में था, सेकेंड में पश्चिम बंगाल था. यहाँ का कोई एक आदमी भी भूखा नहीं मरा. बीजेपी का स्टेट देखिए, रेप हो रहा, मर्डर हो रहा, विरोध करने पर ही हो रहा. तो ऐसा सरकार को लाके क्या फ़ायदा होगा? पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम नहीं है. हम लोग का इसमें सब देखिए हिंदू मुस्लिम सब है, कोई डिस्टर्ब नहीं है. ऐसा सरकार को हम लोग ला के यहाँ हिंदू मुस्लिम करके क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ दीदी दीदी. पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का मैच आई और क्यों नहीं? ओवैसी ओवैसी कोई नहीं. आईएसएफ का क्या है? उनका भी अपना मुद्दा है. कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ आईएसएफ भी, अब्बास सिद्दीकी भी काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं. ये देखिए, हमको तो किसी से जो मतलब नहीं है. बस हमको पश्चिम बंगाल में दीदी को चाहिए, ममता दीदी. उससे बेटर कोई नहीं है. ना मोदी चाहिए, ना हमको वैसी चाहिए, किसी हमको दीदी चाहिए बस. मुसलमानों का डेवलपमेंट हो रहा है, हो रहा है. दीदी का आने का बाद से अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ जहाँ तक हम लोग देखा. कम उम्र का लड़का, लेकिन फिर भी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है दीदी का राज, और किसी को नहीं चाहिए. तृणमूल कांग्रेस के सरकार में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या स्कीम्स दिए गए? बहुत सारे बेनिफिट. कन्याश्री है, ममता दीदी की है कन्याश्री है, और बहुत सारा फैसिलिटी दी है गरीब लोगों के लिए. साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की हैं जहाँ पर जब ज़रूरत पड़ा दीदी. बहुत सारा मैंने डिस्ट्रीब्यूट की, सब चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की हैं. मैं जहाँ पे नीडेड, ज़रूरत जहाँ पर पड़ा हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं दीदी. इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है. डेवलपमेंट हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी में, डेवलपमेंट है। हाँ, ये चीज़ तो है। यहाँ पे जब से दीदी आई है तब से पश्चिम बंगाल में बहुत ही अच्छा, बहुत ही इस गांव ग्राम में भी रोड रास्ता अच्छा बनाई है और पब्लिक के लिए भी अच्छा किया। इतना लॉकडाउन हुआ, हम लोग का अभी तक जो है राशन पानी अभी भी फ्री मिल रहा है, जो भी बहुत अच्छी कर रही है। अभी तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक हम लोग को यहाँ पे। जब बीजेपी आने से ये बीजेपी हम लोग के लिए बहुत ही नुकसान चीज़ है यहाँ पे, इसलिए कि बीजेपी जातिवाद उठाती है वो, और जातिवाद को लेके हम लोग का जो बहुत प्रॉब्लम होता है। एक नारा निकलता है सोनार बांग्ला, तो कुछ सोनार बांग्ला ये नारा ही बचे रहेगा या कुछ सोनार बांग्ला प्रैक्टिकल में होगा? हमारा बांग्ला सोनार बांग्ला है ही है। सोनार बांग्ला बना दिया, मोदी आएगा तो उसको कंगाल बंगाल बना देगा। दीदी सोनार बंगाल बना के रखा है, मोदी आएगा तो वो बंगाल को कंगाल कर देगा। हम लोग ऐसी दिल्ली कंगाल होकर बैठा हुआ है, केजरीवाल उसके ऊपर हावी है, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब वो आया बंगाल को लेने के लिए, बंगाल को लेने के लिए उसको यहाँ आके पांता भात खाने होगा। वो तो आज आया कल चले जाएगा। MI हो या अब्बास सिद्दीकी हो, ये तो अपना फायदे के लिए वोट लेगा, पैसा जो देगा उसको ज्यादा, उसको वोट दे देगा। यही तो होता है, तो हमको क्या दरकार है आपके जिंदगी में? जब तृणमूल का सरकार है तो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है। सोनार बांग्ला बना के रखी हुई है दीदी, मतलब सब कुछ है, समझ लीजिए। हिंदू मुस्लिम सबको लेके दीदी चलती है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटीज में सच्ची डेवलपमेंट हुआ है, जो पार्टीज बताते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? देखिए ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब से दीदी आई है हम लोग का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि सारा बंगाल में जितना काम हुआ है दीदी ने बहुत काम किया है। खास करके मोदी अमित शाह लोग तो कभी यहाँ दंगा वहाँ दंगा, बॉम्ब ब्लीचिंग या कभी वहाँ गलत सलत होते रहता है। ये लोग जब से देश में आया है तो देश का आधा देश को बिगड़ी कर दिया है। ये लोग देश को कुछ समझा नहीं है। क्या देखते हैं वोट करते वक्त, क्या देखते हैं? क्या देखते हैं, अभी तक तो सब कुछ देख रहे, जो भी कुछ हो रहा है सब दीदी का वजह हो रहा है। वो आएगा तो वो क्या करेगा किसी को नहीं पता, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये दीदी है कि हम लोग भरोसा है, हौसला है हम लोगों को, हमारा दीदी कुछ करती है, हम लोगों के लिए कर रही है। लॉकडाउन में आप लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंट या कुछ काफी ज्यादा सरकार से मिला है? तो दीदी से मिला है, बहुत सारा राशन पानी पैसा वगैरह सब बहुत कुछ मिला है, कपड़ा लत्ता मिला है और जगह भी दिया सामान वामान लगाने के लिए, जिस घर में जिसका कुछ परेशानी है तो यहाँ पर हम लोग को मदद मिलता है दीदी से। पूरा लॉकडाउन में गरीब आदमी लगा के फुट पर 2 घंटा 3 घंटा लगा के बेचने का अधिकार दिया, कोई स्टेट में नहीं था। सबसे पहला चीज है कि यहाँ का लेडीज सेफ है, 2:30 बजे रात में 3 बजे रात में लेडीज अकेला चली आ रही है, 2 आदमी के साथ 3 आदमी के साथ, ऐसा कोई स्टेट में नहीं मिलेगा। उस टाइम में जब अगला आएगा तो फिर नहीं होगा। तो दीदी से अच्छा बेस्ट यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ दीदी चाहिए। आर स्टेट देख लीजिए, पश्चिम बंगाल को देख लीजिए। सो इधी మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇంతమందితో మనం మాట్లాడినా కూడా అందరూ ముక్త కంఠంతో మమతా బెనర్జీ మాకు దీదీయే కావాలి, దీదీ ప్రభుత్వమే మాకు భరోసా ఉందని చెప్తున్నారు. ముస్లిం మైనారిటీకి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే ఓవైసీ, హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే ఓవైసీ గురించి కానీ, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న ISF అధ్యక్షుడు అబ్బాస్ సిద్దికి మీద కానీ వీళ్ళు ఎలాంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కానీ వ్యక్తం చేయట్లేదు. కేవలం ఏకంగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సంబంధించి సపోర్టర్స్గా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ప్రధానంగా లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రభుత్వం తమను ఆదుకున్న తీరు, అదేవిధంగా సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం చేసిన పథకాల మీద ఎక్కువగా సానుకూలత ప్రాంతంలో కనిపిస్తుంది. మరికొన్ని ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా వెళ్దాం, ముస్లిం మైనారిటీస్ ఎక్కువగా ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ అభిప్రాయాలంటే కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సుమారు 46 నియోజకవర్గాల్లో ముస్లిం మైనారిటీ ఓటర్లు మెజారిటీలో ఉంటారు. మాల్డా, ముర్షిదాబాద్ వంటి జిల్లాల మొత్తం జనాభాలో ముస్లింలే ఎక్కువ. దీంతో ఈ ప్రాంతాలను టార్గెట్ చేసుకుని అసదుద్దీన్ ఓవైసీ రంగంలోకి దిగుతున్నారు. అటు తృణమూల్ నుంచి బయటకు వచ్చి అబ్బాస్ సిద్దికి ఇండియన్ సెక్యులర్ ఫోర్స్ ను ఏర్పాటు చేశారు. పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో మాల్దా, ముర్షిదాబాద్, అదేవిధంగా నార్త్ దినాజ్పూర్ అంటే ఉత్తర భాగంలో చూసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ కూడా బంగ్లాదేశ్ రాష్ట్రంతో సరిహద్దు పంచుకునే జిల్లాలు. ఇక్కడ ముస్లింల జనాభా హిందువుల జనాభా కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ డామినేటెడ్ ఏరియాస్ అని చెప్పాలి. అదేవిధంగా నార్త్ బంగ్లాదేశ్ పశ్చిమ బెంగాలే కాకుండా సౌత్ పార్ట్లో కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో ముస్లిం మైనారిటీస్ డామినేటింగ్గా ఉంటారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఓట్ల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మనం కోల్కతాలోని బెనియాపూర్ అనే ప్రాంతంలో ఉన్నాము. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే రేషన్ షాప్ దగ్గర చాలామంది వచ్చి ఉచిత రేషన్ తీసుకోవడానికి వచ్చి ఉన్నారు. వీళ్ళతో కొంత మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. కైసా హై యహాన్ పర్ ఆప్ లోగోం కో రేషన్ మే క్యా క్యా మిల్తే హై? హమ్ లోగో కో गेहूं, चावल, चीनी सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। हम लोग को दीदी देता है। हम लोग आज कितना दिन से उठाता रहा सर। तो चावल या गेहूँ कितना पे करते हैं आपकी पर केजी के लिए? जिसा कार्ड का ऊपर देता, जितना कार्ड है उसी देता है। कितना कुछ पैसे भरते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, पैसा वैसा नहीं। हाँ बता, क्या बताना चाहते हैं? कुछ नहीं, हम लोग का सब मिलता है, आराम से खा रही ममता का चीज। बस क्या क्या मिलते हैं आपको सरकार से? क्या मिलता है? पूरा सामान मिलता है, बेगर पैसा का मिलता है, सब चीज मिलता है, आराम है। रोज आप महीने को एक बार आप यहाँ पर आके लेके जाते हैं? हाँ, महीने से आके लेके जाता है। आप बताइए कैसा है जो आप MIM है, ISF है, वे भी आ रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए हम लोग डेवलपमेंट करेंगे बोल रहे हैं। नहीं होता तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर लॉकडाउन से, जब से हम लोग का 2020 से जो लॉकडाउन जो मैंने डिजीज जो हुआ है, हम लोग पैंडेमिक जो फंसे हुए हैं, हम लोग सब हट के खाने कमाने वाला इंसान है, तो लॉकडाउन में जो ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग घर से बेघर हो गए, हम लोग जॉब चली गई है, तो हम लोग अब डेली कमाना है, डेली खाना है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग कोलकाता में रहते हैं, तो ममता दीदी का तो बहुत बड़ा एहसान करम है जो पूरा बंगाल रीजन को सपोर्ट और बेनिफिट दे के रखा है। जो भी हम लोग को मिल रहा है, तो उसमें आज हम लोग जिंदा है। चाला रेशन अंटे चाला रेशन वील उचितंगा जरुगुतुंदी। दादू आप बताइए, क्या आप खुश हैं ममता के सरकार से? या दूसरा जो चुनौती में बीजेपी आ रही है, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी काफी है, आपको चॉइस क्या हो सकता है? नहीं, इस वक्त जो भी डीडीज है बहुत अच्छा चल रहा है, लॉकडाउन से बहुत अच्छा राशन पानी जो भी है सब ठीक ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। और ऐसा उन्हीं को ख्याल करना है भाई, जो ख्याल किया उसको ख्याल करना है पूरा पूरी। यहाँ के मुसलमान ज़्यादातर हैं, कौन से काम करते हैं? लेदर का काम करते हैं ज़्यादा, लेदर का काम तो चौपट है एकदम, समझे? तो मोदी सरकार जो आया, लेदर का काम एकदम चौपट कर दिया, हम लोग एकदम बंद है कारखाना, चल ही नहीं रहा कुछ। ममता के दीदी के सरकार से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए कहा जाता है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को MPs करने के लिए काफ़ी ऐसे स्कीम्स दे रही है ममता, सिर्फ मुस्लिम्स को MPs करने के लिए। हम लोग तो ममता को वोट देंगे, हम लोग ममता को वोट देंगे। क्या क्या मिल रहा है ममता से आप लोगों को? हमें बहुत सब्सिडी मिलता है, अभी स्वास्थ्य कार्ड बना है, उससे इलाज भी फ्री में हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पड़ोसी का हुआ है, सब राशन मिलता है फ्री में, लॉकडाउन पूरा राशन मिल रहा है, हर चीज़ का फैसिलिटी हम लोग को। अभी हम लोग का खाना मिल रहा है ₹5 करके, दिन में एक टाइम खाना मिल रहा है, आराम से अंडा है, चावल है, दाल है, सब कुछ मिलता है, बहुत फैसिलिटी है, आराम से लोग घूमते हैं, रात में कोई टॉर्चर नहीं होता है, बिंदास रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है हम लोग को। ये साल ममता बनर्जी हैट्रिक करेगी, ममता बनर्जी हैट्रिक करेगी। आई लाइक टू TMC पार्टी। ये असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं MIM से और ISF से, अब्बास सिद्दीकी भी आ रहे हैं, तो उस पर आप लोगों का क्या ख्याल है? देखिए, उसमें हम लोग का कोई ख्याल नहीं, हम लोग ममता बनर्जी यहाँ ठीक है, ठीक है। वो ओवैसी बोलिए भाई, वो लोग वोट लॉस हो जाएगा ममता बनर्जी और लोग, वोट माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल के लिए बेस्ट है। अगर वोट डिवाइड होगा तो फिर तृणमूल को लॉस होगा ना? हाँ, लॉस होगा, बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन तृणमूल को तो लॉस होगा। वो लोग वोट मुस्लिम वोट वो लोग चले जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या ममता बनर्जी को अगर वो वोट मिलेगा तो ममता बनर्जी को फायदा होगा, हाथ मजबूत होगा। हम लोग यहाँ ममता बनर्जी बेस्ट है, ममता बनर्जी ठीक है। बस उन्हीं पर ममता बनर्जी हैट्रिक करबे बचर, ये बोल हैट्रिक करबे सत्ता तो ममता बनर्जी 200+ सीट। बीजेपी काफी ज्यादा डेवलपमेंट का, विकास के बारे में बात कर रही है ना? बीजेपी कहाँ विकास किया? देखिए हर चीज में, देखिए रेलवे का प्राइवेट फॉर्म को रेलवे को बेच दिया है, रेलवे बेच दिया, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा दिया है, कोई फैसिलिटी कहाँ दिया? पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 180-90 पूरे 100, पेट्रोल का 100 रुपये हो गया, कहाँ विकास किया? हर चीज का दाम बढ़ा दे रहा है, पूरा बढ़ा दिया है। TMC के सरकार में काफी करप्शन भी हो रहा है। कोई करप्शन नहीं है, जिसको नहीं मिलता है वो बोलता है करप्शन करता है, जिसको मिलता है वो कुछ नहीं बोलता है, सबको खामोश रहता है, उससे कुछ नहीं बनता है। हमको ममता को दीदी को बहुत भरोसा है। सबसे बड़ा बात है जो हम लोग को गैस का दाम बढ़ा दिया, इतना भारी पड़ गया जो हम लोग खरीद नहीं सकता है, मेन चीज है। और बच्चा लोग को रूपश्री दिया, कन्याश्री दिया, हाँ, उसका बाद स्वास्थ्य साथी कार्ड का जितना जहाँ इलाज होता है, हाँ, उसका फ्री चल रहा, हाँ। और बीजेपी का तो कोई बातें नहीं है, नोटबंदी में खराबी कर दिया, कितना आदमी मर गया, उसका बाद आपका रेल में काट के कितना आदमी मर गया। कांग्रेस और लेफ्ट भी है, उसको वोट पड़ेगा यहाँ पर? आपका लॉकडाउन में कम से कम कितना आदमी काट के रास्ता में मर गया, इसमें कोई ठिकाना नहीं है, उसमें कोई सबूत नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। तो वोट तो हम लोग को देना है वो ममता बनर्जी को। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी है, MIM है, ISF है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसका बारे जो जहाँ पर है, हम तो बोलता है जो यहाँ पर है जैसा मजबूत है उसको वहाँ इसी वोट दो, हम तो इसी बोलता है। लड़कियों के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए कैसा सुविधा मिला है ममता सरकार में, और आप क्या बोलना चाहते हैं चुनौती के वक्त? नहीं, ममता से सही है, लेकिन आपको हम लोग को मोदी से सही नहीं है। क्यों? जी नहीं, मोदी क्या चीज़ से फायदा? पहले तो आपका NRC लेकर के आपका किया NRC, फिर तुम्हारा के यहाँ भी हर चीज़ की प्रॉब्लम है। मोदी से कोई चीज़ का हम लोग को फायदा नहीं है। तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए दो पार्टियाँ हैं, MIM और अब्बास सिद्दीकी, क्या आप उनको भी वोट करने का सोच रहे हैं या चॉइस है आपका? नहीं नहीं, सिर्फ हमारा चॉइस सिर्फ ममता है। क्यों? जी हाँ, ममता में मतलब हम लोग के जो यहाँ पर है, ममता बहुत चीज़ का सपोर्ट भी है, फिर ममता हम लोग को भी यहाँ के हर एक चीज़ का इसमें देखती है। लेकिन मोदी जो है ना, मोदी आकर तुम लोग से तबाही के लेकर चला है। मोदी तबाही लेकर के NRC जो शुरू किया, उसके बाद से जो स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन से अलावा कुछ और उसका फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी नुकसान ही नुकसान जा रहा है, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। लॉकडाउन में दीदी से आप लोगों को जी हाँ 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 बहुत चीज़ का फायदा मिला है, बहुत कुछ मिला है, गरीब को बहुत सहारा हुआ है। लेकिन अब मोदी तो लूटते चला गया, मोदी से कोई सहारा नहीं मिला है, ममता से जितना सहारा मिला है। सो इधी प्रांतों मन प्रस्तुत प्रांतों चाला मंदी ప్రభుత్వమన సిట్టింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ లేదంటే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం మీద సానుకూలత వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ముఖ్యంగా ముస్లిం మైనారిటీల కోసం తీసుకున్న అనేక పథకాలు తమకు తమ అభివృద్ధి కావచ్చు, అదేవిధంగా లాక్డౌన్ సమయాన్ని ఎక్కువగా ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ప్రభుత్వం నుంచి దొరికిన ఆర్థిక సహకారం అనేది కూడా బహుశా ఈ ఎలక్షన్స్లో ఓట్లు అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడున్న పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే. బెంగాల్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాలో దాదాపు 15 లక్షల మంది మురికివాడల్లోనే నివసిస్తున్నారు. ఎన్నికల సమయంలోనే తమ దగ్గరకు రాజకీయ నాయకులు వస్తారని ఆ తర్వాత పట్టించుకోరని వారు వాపోతున్నారు. మురుగునీటి కాలువల పక్కనే చిన్న చిన్న పూరి గుడిసెల్లో జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. కోల్కతా మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాలో మొత్తం జనాభా దాదాపు 1.5 కోటి. దీంట్లో సుమారు 15 లక్షల మంది వరకు కూడా మురికివాడల్లోనే నివసిస్తున్నారని ఒక అంచనా. ఎన్నికల సమయంలో నాయకులు వస్తుంటారు, అభివృద్ధి గురించి సంక్షేమం గురించి మాట్లాడుతుంటారు. కానీ ఇలాంటి మురికి వాడల్లో ఉంటున్న వ్యక్తుల గురించి లక్షలాదిగా వేలాదిగా ఉంటారు. వీళ్లకు కనీస మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మనం లండన్ బ్రిడ్జ్, ఈ బ్రిడ్జ్ని లండన్ బ్రిడ్జ్ అంటారు. కోల్కతాలో ఉన్న ఈ బ్రిడ్జ్ చూసుకున్నట్లయితే ఏ రకంగా ఎంత మురికిగా ఉందో, అదేవిధంగా ఒక డ్రైనేజ్ నాలా వెళ్తూ ఉంది. ఆ డ్రైనేజ్ని ఆనుకుని, డ్రైనేజ్కున్న ప్రాంతాన్ని ఆనుకుని ఆక్యుపై చేసుకుని ఉంటున్న నివాసాలు ఉంటున్నారు. సో ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా చెత్తని ఏరుకుని వచ్చి, ఆ చెత్తని ఏరుకొచ్చిన ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంతోనే వీళ్ళందరూ నివసిస్తూ ఉంటారు. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎంత ఒక డ్రైనేజ్ అనేది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఇలాంటి అన్హైజీనిక్ అపరిశుభ్ర వాతావరణంలోనే లక్షలాది మంది కోల్కతా నగరంలో నివసిస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి కానీ, అదేవిధంగా వీళ్ళ కొంత చైతన్యం లేకపోవడం, చదువు, ఇవన్నీ కూడా కనీస అవసరాలు అందని పరిస్థితుల్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ వీళ్ళ ఇళ్ళు చూసినా కూడా చాలా ఇరుకుగా, అంటే ఇవన్నీ ఆక్యుపై చేసుకుని ఆక్రమించుకుని ఉంటున్న ప్రాంతాలు కాబట్టి ఎవరికి ఏ స్థాయిలో ఆక్రమణ దొరికితే అక్కడ మాత్రమే వీళ్ళు నివసిస్తూ ఉంటారు. అవి కూడా చాలా ఇరుకిరుకు ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నారు. జనాభా కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఆదాయం తక్కువగా ఉంటుంది. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంటికి మధ్య ఏ రకమైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది, గల్లీ అనేది తెలుస్తుంది. అంటే వీళ్ళకి శానిటేషన్ సంబంధించిన కనీస సదుపాయం ఉండదు. మనం ఇక్కడ చూసుకుంటున్నట్లయితే ఇక్కడే వండుకోవడం, ఇక్కడే తినడం, దాదాపు అన్ని పనులు కూడా చాలా చిన్న చిన్న ప్లేసుల్లోనే పరిధిలోనే వీళ్ళు ఉంటున్నారు. మనకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఈ గది చూద్దాము. చూసుకున్నట్లయితే కేవలం ఒక్కళ్ళు మాత్రం తిన్నగా కాళ్ళు పెట్టుకుని పడుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేని ప్రాంతం మాత్రమే ఉంది, అవకాశం లేనంత ప్లేస్ మాత్రమే ఉంది. దీంట్లో ఒక కుటుంబం మొత్తం ఉంటుంది. అంటే వండుకోవడం కూడా అక్కడే, పడుకోవడం అక్కడే, వాళ్ళ సామాన్లు అక్కడే, అక్కడే ఒక ఫ్యాన్, ఒక లైటు. ఇదే ఇంత ఒక దయనీయమైన స్థితిలో బతకాల్సి వస్తుంది చాలా తక్కువ ఇన్కమ్ తోటి. ఏ घर में कितने लोग रहते? कितने 2-3 बच्चे हैं और एक माँ है, हस्बैंड वाइफ है। सब लोग इतने ही घर में कैसे रह पाएंगे? अब वही में एडजस्ट करने पड़ता है मैडम, वही में एडजस्ट करने पड़ता है। क्या काम करते हैं आप यहाँ? मैं यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, टैक्सी। अच्छा, तो कितना इनकम आता है? पहले तो पर मंथ 12,000, 12,000, 13,000-14,000 हो जाता है, मगर अब जब से महंगाई बढ़ गया, तेल डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तब से 7,000-6,000 इसी में। ममता दीदी हमारा यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, उनके वजह से 2 रुपये किलो चावल वाल मिल जाता है। बच्चों लोग का थोड़ा पढ़ाई उड़ाई कम कर दिया है, क्योंकि फीस जो होता है ना, ट्यूशन फीस ये सब पूरा नहीं हो सकता वो सैलरी में। दीदी बोला है मेरा सरकार बनेगा, आप लोग को जॉब उप का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ये सब बनेगा। हाँ, एक बार बात करें अब थोड़ा, तो क्या मैं क्या क्या तकलीफें हैं आप लोगों को यहाँ पर? कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पर बहुत साल में रहता है, बहुत असुविधा है, ना खाना पीने रहने पाने सब कुछ गला है। ये छोटे ही घर में रहना काफ़ी मुश्किल में, चट्टो पस्टो रहना है, क्या करेगा कहाँ जाएगा बोलो, बता सब कुछ ही घर में। विधु हट्टा का पैसा नहीं मिला, आदमी तो मार्गी से रहना। सरकार से आप लोगों को कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, कोई नहीं दे रहा नहीं। तो ఇక్కడ ఇంకొక ఇల్లు చూద్దాము, చూడండి ఇక్కడ ఇంకొక ఇల్లు ఉంది, एक बार छोटा उठो, ఇక్కడ ఇంకో ఇల్లు ఉంది, ఆ ఇంట్లో కూడా వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాము। ఇది కూడా చాలా చిన్న ఇల్లు, ఒక 3 నలుగురు పిల్లలు, లైట్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే ఏదో మంచం, అంటే ఆ ఇంటి నుంచి చూసుకుంటే ఈ ఇల్లు కొంచెం నయం అనిపిస్తుంది, కానీ మొత్తం ఇదే లోకంలో వీళ్ళు బతకాల్సి వస్తుంది। సామాన్లు గేమాలు మనకు చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది। आप लोगों को सरकार से कुछ सुविधा मिलती है, चुनौती हो रहा है, तो नेताजी लोग यहाँ आ रहे? कोई नेता अभी तक का नहीं आया। उस दिन पौरसपाल आया हुआ था, तो वो थोड़ा लाइट फाइट का बोल के गया, यहाँ लाइट लगेगा उधर ये लगेगा, अभी तक का लगा नहीं। काम चल रहा है, अभी देखिए लगागा। पहले लेफ्ट पार्टी था, बाद में टीएमसी आए, और काफ़ी लोग अब नेता लोग आ रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो सबका विकास होगा। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि आपको कुछ विकास हुआ? तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक का, कुछ हुआ ही नहीं। लाइट का काम बोल के गया, हम लोग इतने ही जानते हैं। अब आगे देखिए नेता लोग क्या करते हैं। तो जितना पैसा आप कमाते हैं, आप लोग क्या क्या काम करते हैं यहाँ के लोग? हम तो बहन चलाते, कभी मुठियागिरी करते, उसी में बाल बच्चा को पेट भी चला रहे। यहाँ पर ज्यादातर देखिए कि कचरा वगैरह ज्यादा काम कारोबार होता है यहाँ पर, इसी में आदमी अपना जिंदगी गुजार लेगा। चुनौती आने से क्या क्या कहना चाहते हैं? कुछ बदलाव होता है आपकी जिंदगी में? अभी तो देखिए हम लोग तो ये राजनीति में नहीं है, वोट का टाइम होता है तो वोट जाके दे देते हैं और अपना काम काज देखते हैं, बस इतने ही। अब जो काम अच्छा दिखाएगा उसी को ना वोट दिया जाएगा। तो अभी तक का तो फिलहाल हम लोग को जो भी देख रहे हैं अभी ठीक ठाक चल रहा। खन्ना सर अभी हम लोग का यहाँ का नेता है, जो भी काम दिखा रहा है अभी अच्छा ही दिखा रहा है बस। तो नायक वस्तुंटारू एन्निकल वेळ अनि चेप्तुन्नारू। మరి ఇదే బయట కూడా మరి కొంతమంది మహిళలు ఎక్కువగా ఉన్నారు, అంటే వీళ్ళకి కనీస మౌలిక సదుపాయాలు లేదు అనేది మనకు చాలా క్లియర్ గా ఇక్కడ విజువల్ లో అర్థం అవుతుంది। क्या प्रॉब्लम है? हम लोग बहुत चीज का प्रॉब्लम है, घर नहीं है, पानी चूता का कौन काम के लिए देता है हम लोग? इतना बड़ा तूफान गया पूरा घर उड़ के गया, कुछ दिया है? क्या 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 तकलीफ है आपको? यहाँ तो सबका कोई का तो घर नहीं है, पहले तो बात घर नहीं है। यहाँ पर ही कॉलोनी बहुत जगह आया है, उल्टा डांगा भी कॉलोनी आया है, मगर इस एरिया में कॉलोनी नहीं आता है। सब काउंसिलर का हाथ में आता है, सब काउंसिलर का हाथ में। ऐसा कोई काउंसिलर नहीं है जो उसको नहीं सुविधा मिलता है पब्लिक को, जनता को देखने के लिए। हर काउंसिलर को जनता का सेवा करने के लिए आता है, मगर इस एरिया में कोई सेवा नहीं है। इस एरिया में कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग 70 साल से, हम लोग पैदा बाप दादा सब यही गुजर गया, हम लोग का सारा फैमिली में यही मरा। अभी हम लोग 5 परिवार है, बाल बच्चा लेके, हम लोग को कुछ मिल रहा नहीं। राशन पानी खाना पीना रहने का तो ठीक नहीं है, घर द्वार हाँ घर कुछ नहीं मिला हम लोग को। हम लोग को तरह तरह का परेशानी आता है, अंधड़ तूफान जो आ रहा है, हम लोग हर परेशानी में रो के रहते हैं। फिर अब इलेक्शन आए हैं, नेता बोलते हैं कि हम लोग विकास करेंगे, तो क्या आपको सरकार बदलने से कुछ सुविधा मिल रही है? सभी सरकार एक ही है जैसा? हम लोग तो वोट हमेशा देते हैं, हम लोग वोट देते हैं, अभी भी हम लोग खुद ही होकर वोट देने, चाहे हम लोग का जान जाए, चाहे हम लोग वोट देके रहेंगे। पुलिस आता है हम लोग को दौड़ाता है। कितने सालों से रह रहे हैं हम? जा रहे अभी कागज चुनने, कागज चुन के लाएगा, बेचेगा तो बाल बच्चा खाएगा, नहीं बेचेगा तो नहीं खाएगा, भूखा मरेगा। सरकार का पास एक ही दरखास्त कीजिए कि आज इतना दिन से इतना आदमी है ना, तो इन लोग का कॉलोनी का जुगाड़ कर दीजिए, बस इसी दरखास्त है। और लॉकडाउन होना नहीं चाहिए, लॉकडाउन बंद करो एकदम। ఇది మనం చూసుకున్నట్లయితే బస్తీ మురికివాడల్లో సమస్యలు అలానే ఉన్నాయి. ఎన్నికల సమయంలో మాత్రమే నాయకులు వస్తుంటారు, ఓట్లు అడుగుతుంటారు, మిగతా సమయాల్లో మా గోడు పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరూ లేరని చెప్పి ఇక్కడున్న మురికివాడ వాసులు ఆరోపిస్తా ఉన్నారు. మరి ఎన్నికలు వస్తాయి, నిజంగానే నాయకులు వస్తారు, ఒక పార్టీ గెలుస్తుంది, కానీ మురికివాడలో ఉన్న సమస్యలు మాత్రం అలానే ఉంటాయి.